ज्ञानस्वरूपं निजबोधरूपं योगेन्द्रमीड्यं भवरोगवैद्यं श्रीमद्गुरुं नित्यमहं नमामि। यस्यां घृपंकज पराग पर प्रभावाद् भूत्वा कृति कृतिमतां श्रुतिमाचरां तं सद्गुरुं सतत सर्वसुखं शतग्रियं वंदे सदा विमलबोधघनं विचित्रं वंदों गुरुपदकंज कृपा सिंधु नररूप हरि महामोहतमपुंज जासुवचन रवि कर्णिकर मेरा मुझ में कुछ नहीं जो कुछ है सब तोर तेरा तुझको सौंपते क्या लागेगा मोर। लोकाभिरामं रणरंग धीरं राजीव नेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरंतं श्रीरामचंद्रं शरणं प्रपद्ये। करारविंदेन पदारविंदं मुखारविंदे विनिवेशयन्तं वटस्य पत्रस्य पुटे शयानं बालं मुकुंदं मनसा स्मरामि। करचरणकृतं वा कायजं कर्मजं वा श्रवणनयनजं वा मानसं वा पराधं विहितमवहितं वा सर्वमेतत् क्षमस्व। जय जय करुणाब्धे श्री महादेव शंभो। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। या कुन्देन्दुतुसारहारधवला या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणावरदण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना या ब्रह्माच्युतशङ्करप्रभृतिभिर्देवैः सदा वन्दिता सा मां पातु सरस्वती भगवती शेषजाड्यापहा। यं प्रवृजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरहकातरया जुहाव पुत्रेति तन्मयतया तर्वोभिनेदुस् तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। इस पवित्र स्थल पर मानव जीवन का सबसे महत्वपूर्ण कर्म करने हेतु पधारे हुए धर्म प्रेमी सज्जनों, माताओं तथा बहनों, साथ ही अप्रत्यक्ष रूप से दिशा टीवी चैनल के माध्यम से इस महत्तम ज्ञानमय गंगा में अवगाहन कर रहे देश विदेशों के समस्त धर्म पिपासु हो, परम प्रभु परमात्मा की असीम कृपा से और
मोर मंडी के समस्त श्रद्धालु भक्तों के सद्प्रयासों से यह मंगलमय अवसर आप समस्त भक्तों को प्राप्त हुआ है। पिछले साल भी आप लोगों को मैंने भगवान श्री कृष्ण के मुखारविंद से निःसृत ज्ञानमय गंगा में अवगाहन कराया था। इस वर्ष भी उसी ज्ञानमय गंगा में अवगाहन कराने के लिए मैं जा रहा हूं। भगवान श्री कृष्ण ने गीता को शास्त्र बतलाया है। शस्त्र से देश चलता है और शास्त्र से धर्म चलता है। देश की रक्षा से शरीर की रक्षा होती है और धर्म की रक्षा होने से आत्मा की रक्षा होती है। प्रत्येक मनुष्य को शरीर की भी रक्षा करनी चाहिए और इससे भी बढ़कर आत्मा की रक्षा भी करनी चाहिए। शरीर क्षणभंगुर है, विनाशवान है और आत्मा अविनाशी है। इस क्षणभंगुर शरीर के लिए, इस विनाशवान शरीर के लिए संसार के लोग दिन रात प्रयत्नरत हैं। बढ़िया बढ़िया खाओ, बढ़िया बढ़िया वस्त्र पहनो, बहुत तरह की दवाइयों का सेवन करो, बढ़िया बढ़िया घर बनाओ, बढ़िया बढ़िया भोगों को उपलब्ध कराओ, बस इसी में मनुष्य का सारा जीवन व्यतीत हो जाता है। शरीर यहीं रह जाता और इस शरीर में रहने वाला कहाँ चला जाता है पता नहीं। यदि इस शरीर में रहते रहते ही हम धर्म की रक्षा नहीं कर लेते हैं तो अनंत काल के लिए हम अपने को दुख के समुद्र में डाल लेते हैं। एक शरीर के जीवन के लिए हम कितना दिन रात प्रयत्नशील हैं और इस अजर अमर अविनाशी आत्मा के लिए थोड़ा भी हम प्रयास नहीं करते, थोड़ा भी प्रयत्न हम नहीं करते। यह गीता ज्ञानमय यज्ञ का अनुष्ठान जो आप लोगों ने यहां रखा है, यह अनुष्ठान जो आप लोगों ने किया है, यह शरीर की रक्षा के लिए भी है और आत्मा की रक्षा के लिए भी है। सीमित जीवन के लिए भी है और अनंत जीवन के लिए भी है।
अल्प सुख के लिए भी है और अनंत सुख के लिए भी है। संसार के विषयी लोग, भोगी लोग अल्प सुख के लिए जीते हैं और ज्ञानी लोग अनंत सुख के लिए जीते हैं। इस गीता में ज्ञान यज्ञ के द्वारा आप लोगों को अनंत सुख का मार्ग मिलेगा, अनंत आनंद का मार्ग मिलेगा, अनंत शांति का मार्ग मिलेगा। इसके अलावे अनंत सुख का मार्ग, अनंत आनंद का मार्ग, अनंत शांति का मार्ग संसार में कहीं भी नहीं है। भगवान ने इसीलिए गीता को शास्त्र कहा। इससे धर्म की रक्षा होती है, आत्मा की रक्षा होती है, अनंत सुख की प्राप्ति होती है। फिर भगवान ने गीता को बहुत सुंदर संगीत भी बताया। गीता सुगीता कर्तव्या किमन्ये शास्त्र विस्तरे, यह गीता जो है सुंदर संगीत है। आज दुनिया में गीत गाने वाले बहुत लोग हैं, बहुत सुंदर सुंदर गीत गाते हैं, गाना गाते हैं। एक घंटा तक उसका गाना चलता है, दो घंटे तक चलता है, एक घंटा तक आदमी खूब झूमता है, दो घंटे तक आदमी खूब झूम झूम करके सुनता है, उसके बाद गाने वाला भी चुप हो जाता है और सुनने वाला भी चुपचाप घर चला जाता है। बस गीत इतना ही है, गीत का आनंद इतना ही सीमित आनंद है। परंतु गीता को संगीत बताया है। मनुष्य गीत गाते हैं और मनुष्य के अंदर जो परमात्मा बैठे हैं वे संगीत सुनाते हैं। कब से यह संगीत चल रहा है? गीता की उत्पत्ति 5000 वर्ष से ज्यादा हो गई है और तभी से जितने भी धार्मिक परिवार हैं, धर्म में निष्ठा रखने वाले हैं, इस गीत को सुन रहे हैं। किसी का मन तृप्त नहीं हो रहा है और सबके अंदर से भगवान इस गीत को सुना रहे हैं। भगवान के अंदर की आवाज है गीता। धार्मिक लोग अमृत की तरह इसका पान करते हैं। एक मनुष्य के गीत में इतना आकर्षण है कि लोग झूमने लग जाते हैं और यह तो साक्षात परमात्मा के अंदर की आवाज है। भगवान द्वारा गाई गई यह गीत है। इस गीत का जो श्रद्धा समन्वित होकर के श्रवण करेंगे उनकी अंतरात्मा झूमने लग जाएगी। इसीलिए गीता को संगीत बतलाया। यह भगवान द्वारा गाई गई निर्मल अमृतमय गीत है। आपका जीवन संगीतमय हो जाएगा। फिर गीता को
गंगा जल के समान पवित्र बतलाया। गीता गंगोदकम पीत्वा पुनर्जन्म न विद्यते, यह गंगा जल है। भगवान के चरण से गंगा निकली है, गंगा का जल समस्त ऋतुओं में एक जैसा दिखलाई नहीं देता है। ग्रीष्म ऋतु में गंगा का जल बड़ा निर्मल मालूम पड़ता है, वर्षा ऋतु में वही जल देखने में मटमैला सा लगता है, शरद ऋतु में उसका रंग कुछ और बदल जाता है, हेमंत ऋतु में बहुत ठंडा हो जाता है, शिशिर ऋतु में इतना ठंडा हो जाता है आदमी प्रवेश करना नहीं चाहता है, बसंत ऋतु में गीता गंगा का जल किसी और तरह का भासित होता है। सब ऋतुओं में गंगा का जल एक जैसा नहीं रहता, लेकिन गीता भगवान की अंतरात्मा है, भगवान के अंदर से, भगवान के मुंह से निकली हुई है। भागीरथी गंगा भगवान के चरण से निकली है और गीता रूपी गंगा भगवान के मुंह से निकली हुई है। यह सभी ऋतुओं में एक जैसी पवित्र है, एक जैसा निर्मल है, इसकी निर्मलता कभी समाप्त नहीं होती है। जो इसका सेवन करेगा वह निर्मल हो जाएगा। अभी आप लोग हरिद्वार जाना चाहेंगे, पैसे खर्च होंगे, शारीरिक श्रम होगा, समय लगेगा, फिर गंगा का दर्शन होगा, उसके बाद गंगा में स्नान करेंगे। यहां कोई पैसे खर्च नहीं, यहां के आयोजक मंडल खर्च कर रहे हैं, यहां आने में कोई परिश्रम नहीं, यहां कोई ठंडी गर्मी की बात नहीं, और सदा सदा की पवित्रता गीता रूपी गंगा जल के द्वारा आप लोगों को प्राप्त होगी। मुझे ऐसा लगता है मोर मंडी में स्थापित यह सद्भावना हॉल में आज भगवान के मुखारविंद से निःसृत गीता रूपी गंगा बह रही है, और इस जल में आप लोग अवगाहन कर रहे हैं, आप लोग स्नान कर रहे हैं, आप लोग पवित्र हो रहे हैं, आप लोग निर्मल हो रहे हैं। हरिद्वार में भी गंगा बहती है, लेकिन सब उसमें स्नान नहीं कर सकते। किसी को अभी जल बहुत ठंडा लगता है, स्नान करना नहीं चाहता है, किसी को डर भी लगता है, हम चले जाएंगे स्नान करने के लिए और घाट पर जो मेरा मोबाइल रखा हुआ है कहीं कोई उठा ना ले जाए, पर्स में जो पैसे रखे हुए हैं उसको कोई चुरा ना ले जाए, यह सब भी भय मन में रहता है। स्नान के समय घर का, परिवार का, दुकान का, फैक्ट्री का, कंपनी का, मन का टेंशन खत्म नहीं होता है, स्नान चलता रहता है, दिमाग का टेंशन भी चलता रहता है, मन का विकार भी सताता ही रहता है, जन्म जन्म का पाप भी उसे परेशान करता ही रहता है, लेकिन
गीता रूपी गंगा जल में जो मन के सहित स्नान करेगा, अर्थात यहां बैठकर मंच पर से जो भगवान द्वारा निःसृत गीता रूपी गंगा जल है उसका सेवन करता रहेगा तो यहां कोई भय नहीं, यहां कोई डर नहीं, यहां कोई पाप आपको परेशान नहीं कर सकता, यहां कोई विकार आपको परेशान नहीं कर सकता, यहां कोई टेंशन आपको परेशान नहीं कर सकता। भगवान ने संसार के सद्भक्तों के लिए इस गंगा जल को अपने मुखार बिंद से उत्पन्न किया है। जहां अर्जुन रहता था वहां पास में ही गंगा नदी बहती थी। उस गंगा नदी में स्नान करके अर्जुन का मोह दूर नहीं हुआ, परंतु इस गीता रूपी गंगा जल में स्नान करके थोड़ी ही देर में अर्जुन का मोह नष्ट हो गया, अर्जुन का अज्ञान नष्ट हो गया और भगवान से कह दिया अर्जुन ने, नष्टो मोह। इस गीता रूपी गंगा जल में स्नान करके मेरा मोह नष्ट हो गया। स्मृतिर्लब्ध्वा, मैं जो अपने आप को भूल गया था कि मैं कौन हूं, मुझे अपना पता चल गया। स्मृतिर्लब्ध्वा, मुझे अपना ज्ञान हो गया, मेरा अज्ञान दूर हो गया। दुनिया में कोई ऐसा जल है जो मोह को नष्ट कर दे, जो अज्ञान को दूर भगा दे, जो आत्मज्ञान प्राप्त करा दे, आत्मा अनात्मा का बोध दिला दे? दुनिया में कोई भी ऐसा जल नहीं है। भगवान श्री कृष्ण के मुखारविंद से गीता रूपी गंगा जल प्रकट हुआ है। मेरे मन में हुआ थोड़ा बहुत निर्मल होने के लिए, पवित्र होने के लिए, ज्ञान प्राप्त करने के लिए यदि मोर मंडी के धर्म प्रेमियों को बाकी रह गया होगा तो दूसरी बार की कथा से सबको पवित्र कर दिया जाएगा, सबको निर्मल बना देने का प्रयास कर लिया जाएगा। इसीलिए दोबारा भी इसी कार्यक्रम का अनुष्ठान यहां हुआ है। उसके बाद गीता के लिए भगवान वेदव्यास जी ने यह भी लिखा है, गीता अमृत के समान है। गीता अमृतम पिबेत, गीता अमृत है, यह पीने के लिए। आप लोगों को इसे पीना है। गंगा जल से शरीर को धोया जाता है और पिया भी जाता है, लेकिन कितना भी गंगा जल आप पी लेंगे, पीने के बाद वो बाहर निकल जाएगा। कितना भी आप गंगा जल से शरीर को धो लेंगे, फिर भी शरीर पर मैल जम ही जाएगा। दो चार पांच दिन के बाद आपको दिखने लगेगा। भगवान वेदव्यास जी कहते हैं गीता रूपी अमृत को जो पी लेगा, 100 साल तक स्नान नहीं करेगा, फिर भी वह चमचम चमकता ही रहेगा। यह अमृत है। वह जन्म मरण के दुखों से सदा सदा के लिए मुक्त हो जाएगा। इसको आपको पीना है। और अंतरात्मा से इसको पीना है।
इसको हजम करना है, इसको अंदर जाने देना है। पीने का मतलब इसको अंदर ले जाना है, इसको अंदर में ठहराने का प्रयास करना है, इस पर विचार करना है, इस पर अमल करना है, इस पर अभ्यास करना है, इसको साक्षात्कार करना है। केवल सुनकर नहीं रह जाना है, इस कान से सुन लिया और उस कान से निकाल दिया। गीता मृतम पिबेत, भगवान वेद व्यास इनका, इसको पी लेना है आप लोगों को, अंदर में बसा लेना है आपको। इससे बढ़कर मार्गदर्शक कोई भी शास्त्र भारत के इतिहास में नहीं निकला है। ऐसा शास्त्र मैं आप लोगों को सुनाने के लिए जा रहा हूं। मुझे स्मरण में है, पिछले साल मैंने आप लोगों को छठा अध्याय तक सुनाया था। गीता में 18 अध्याय हैं, सारे अध्यायों को भगवान वेदव्यास जी ने योग शब्द से पुकारा है। सब अध्याय में योग शब्द का ही प्रयोग किया गया है, हर अध्याय योग से भरा हुआ है। योग का अर्थ होता है मिलाप, जिनसे हम बिछड़े हुए हैं उनसे मिलने का हर अध्यायों में ज्ञान दिया गया है। हम किन से बिछड़े हुए हैं? हम अपने बनाने वाले से बिछड़े हुए हैं। हमें जो खिला रहे हैं, हमें जो पिला रहे हैं, हमें जो देखने की शक्ति दे रहे हैं, हमें जो सुनने की शक्ति दे रहे हैं, हमें जो जीवनी शक्ति प्रदान कर रहे हैं, हमें जो शरीर दान में दिए हुए हैं, हमारे चलने के लिए जिन्होंने धरती बना रखा है, हमें श्वास लेने के लिए जिन्होंने हवा को बना रखा है, हमें गर्मी देने के लिए, ऑक्सीजन देने के लिए जिन्होंने सूरज को बना रखा है, हमारे शरीर का पोषण करने के लिए जिन्होंने चंद्रमा को बना रखा है, हमें अवकाश देने के लिए जिन्होंने इतना बड़ा आकाश को बना रखा है, हमें संकल्प विकल्प करने के लिए जिन्होंने हमारे अंदर मन को दे रखा है, हमें निर्णय करने की शक्ति के रूप में बुद्धि को दे रखा है, हमें सारी इंद्रियों को स्पंदित करने के लिए चित्त को दे रखा है, हमें अपनापन का बोध दिलाने के लिए अहंकार को दे रखा है। मैं हम बोलते हैं, इतना सब कुछ जिन्होंने हमको दिया है, क्या उनका नाम भी नहीं लेना चाहिए? क्या उनको देखने का प्रयास भी नहीं करना चाहिए? क्या उनसे मिलने के लिए कोई प्रयत्न नहीं करना चाहिए? किसी की एक किडनी फेल हो जाती है तो आकाश की ओर देखने लग जाते हैं, अब शरीर कैसे चलेगा, कब दूसरी किडनी खराब हो जाएगी पता नहीं, और दोनों खराब हो जाए तब जीवन से निराश हो जाते हैं, बड़े बड़े डॉक्टरों के पास जाते हैं, उनके पास व्यवस्था नहीं रहती है तो पूर्णतः निराश हो जाते हैं। ऐसी स्थिति में यदि कोई अपनी किडनी में से एक किडनी दान कर देता है तो
तो उनका कितना गुण गाते हैं, इन्होंने हमारे जीवन की रक्षा कर दी। ये यदि एक किडनी नहीं दिए होते तो हम मर जाते हैं। एक किडनी देने वाले का हम कितना नाम लेते हैं, कितना गुण गाते हैं, सबके बीच में चौराहे पर उनकी बड़ाई करते हैं। कोई नेत्र दान कर देता है, उनके विषय में कितना हम सबके बीच में बोलते हैं, कितना उनका गुणगान करते हैं। कोई रक्त दान कर देता है, उनके लिए हम कितना बोलते हैं। जिस परमात्मा ने हमको सब कुछ फ्री में दिया है, क्या उनका दर्शन नहीं करना चाहिए। और ऐसे वे दाता हैं कि इतना सब कुछ दे करके भी अपनी प्रशंसा अपनी बड़ाई सुनना नहीं चाहते हैं। अपने को ऐसे आपके अंदर में ही छिपा करके रहते हैं कि हमें ये देख भी नहीं सके इतना उपकार करने वाले कहां पर है। इतना उपकार हमारा किए हैं उन्होंने, फिर भी वे हमारे अंदर में छिपे हुए हैं। थोड़ा भी उपकार कोई करता है तो चौड़े होकर चौराहे पर खड़ा रहता है। हमने इतना किया, मेरा तो नाम नहीं लेता है, हमने इतना सहयोग कर दिया फिर भी हमारा नाम नहीं लेता है, हमने मौके पर इतना काम दिया तो भी मेरा नाम नहीं लेता है। थोड़ा थोड़ा करने वाला आदमी भी अपना बड़ाई सुनने के लिए, अपनी प्रशंसा सुनने के लिए कितना कुछ चाहता है। और परमात्मा ने सारा संसार का सब कुछ किया है तो भी अपने को छिपा करके रखते हैं। ऐसे जो हैं, जो अपनी बड़ाई नहीं चाहते, अपना सम्मान नहीं चाहते, अपना आदर नहीं चाहते, ऐसे आदर के योग्य, ऐसे सम्मान के योग्य, ऐसे पूजा के योग्य, ऐसे सर्व सामर्थ्यवान परमात्मा से मिलने का प्रयास नहीं करना चाहिए, उनको देखने का प्रयास नहीं करना चाहिए, उनका नाम भी नहीं लेना चाहिए। 24 घंटे के दिन रात होते हैं, और ऐसे कितने दिन रात हमारे बीत चुके हैं, लेकिन संसार के लोग इतने कृतघ्न हैं, इतने नीच बुद्धि के हैं, ऐसे परमात्मा का नाम तक नहीं स्मरण कर सकते। यहां पर भी बहुत सारे भक्तगण बैठे हुए हैं, 24 घंटे के दिन रात में कितनी देर उनका नाम लिए हैं, कितनी बार उनका नाम लिए हैं, कितनी बार उनका स्मरण किए, कितनी देर उनका ध्यान लगाया, कितनी देर उनका गुणगान किया। सारे दिन तो बोलते ही रहे, कौन ऐसा आदमी है जो 24 घंटे में 12 घंटे नहीं बोलता है। क्या सब बोलता है, लेकिन इस मुंह से जिन्होंने मुंह दिया उनके लिए कितनी देर बोले। इस आंख से 24 घंटे में हम कितने को देखा, क्या हो गया देख करके। लेकिन जिन्होंने देखने के लिए हमें आंख दिया, उस आंख देने वाले को कितनी देर देखने का प्रयास किया, कुछ भी नहीं, उनके लिए कोई प्रयास नहीं। 24 घंटे में इस कान से हम कितना सुनते हैं, कितने का सुनते हैं, लेकिन जिन्होंने यह श्रवण शक्ति मुझे प्रदान की है उनकी लीला कथा का श्रवण कितनी देर इस कान से किया।
सबसे आवश्यक यदि संसार में कुछ देखना है, सबसे आवश्यक दृश्य यदि संसार में कोई है देखने के लायक है, तो वही है जिन्होंने देखने के लिए हमको आंख दिया है। उनसे ज्यादा देखने के लायक संसार में कोई भी नहीं। जीवन से मरण पर्यंत आदमी कितना देखता है, कितने को देखता है, क्या क्या नहीं देखता है, उस देखने का क्या फल मिलता है। अंतकाल में देखने की शक्ति खत्म हो जाती है, आंखें बंद हो जाती हैं, क्या फल मिला। यह नेत्र निरर्थक ही यहां से समाप्त हो गया। यदि एक झलक भी उस नेत्र देने वाले को हम देख लिए होते तो हमारा देखना सार्थक हो गया होता। देखत ही ते भयो निहाला, जन्म मरण दुख जाई। एक बार भी जिनकी शक्ति से हम देखते हैं उनको देख लिए होते तो जीवन धन्य हो गया होता। एक बार भी श्रवण शक्ति देने वाले की आवाज को हम अंदर में सुन लिए होते तो हमारा जीवन सार्थक हो गया होता। एक बार भी जीवन में उनसे हम मिल लिए होते तो हमारा मिलना सार्थक हो गया होता। सब कुछ दे रहे हैं, सब कुछ दिए हुए हैं और इतने ताकतवर हैं, इतने महान हैं, इतने महत्वपूर्ण हैं कि एक ही बार के दर्शन से, एक ही बार के मिलाप से हमारा परम कल्याण हो जाएगा। उनसे मिलाने वाला ज्ञान, उनका दर्शन कराने वाला ज्ञान, उनसे एकत्व करा देने वाला ज्ञान भगवान श्री कृष्ण ने गीता के प्रत्येक अध्यायों में भर दिया है। आपको दुनिया के किसी भी शास्त्र को उलटाने की कोई आवश्यकता नहीं। किमन्ये शास्त्र विस्तरह, ऐसा गीता के महात्म्य लिखा हुआ है। गीता ही एक महान शास्त्र है कि जिसका सेवन करने से, जिसका अध्ययन करने से संसार के समस्त शास्त्रों के अध्ययन करने का फल प्राप्त हो जाता है। समस्त शास्त्रों में जो उस परमात्मा से मिला देने वाला ज्ञान जो है, उस ज्ञान की प्राप्ति करा देता है। ऐसा यह दुर्लभ शास्त्र है और हर अध्यायों में योग शब्द का प्रयोग हुआ है। जिस अध्याय को पढ़ेंगे उसी अध्याय में परमात्मा से मिलने वाला ज्ञान, परमात्मा का दर्शन करने वाला ज्ञान आपको मिलता रहेगा। मैंने आप लोगों को पिछले साल पहला अध्याय सुनाया था, अर्जुन विषाद योग। अर्जुन के मन में बड़ा भारी विषाद उत्पन्न हुआ था, बड़ा भारी दुख उत्पन्न हुआ था। इससे बड़ा दुख क्या हो सकता है कि सारे सगे संबंधी उनके सामने खड़े हैं, सब उनसे लड़ने के लिए खड़े हैं और अर्जुन सबको मारने के लिए खड़ा है। उस समय अर्जुन के मन में इतनी बड़ी व्यथा है कि तुच्छ राज्य सुख के लिए हम सारे संबंधी को आज मारने के लिए खड़े हैं, इसको मार करके हम संसार का सुख भोगेंगे, संसार का आनंद भोगेंगे,
इससे तो मर जाना अच्छा है, भीख मांग कर खाना अच्छा है। बहुत बड़ा विषाद हुआ है, बहुत बड़ा दुख अर्जुन के मन में उत्पन्न हुआ है। लेकिन इस दुख का नाम भी भगवान वेदव्यास जी ने योग ही रखा, अर्जुन विषाद योग। अर्जुन विषाद से युक्त हुआ। ये दुख कौन सा रोग योग हो गया, विषाद कौन सा योग हो गया? व्यास जी ने लिख दिया विषाद योग, विषाद योग हो गया। इसीलिए गीता के प्रथम अध्याय के विषाद को योग व्यास जी ने लिखा कि यदि अर्जुन के अंदर भगवान के सामने विषाद नहीं हुआ होता, दुख नहीं हुआ होता, तो इतना बड़ा शास्त्र का निर्माण भगवान के द्वारा कैसे होता? इतना ज्ञान प्रदायक ग्रंथ का निर्माण कैसे होता, जिस ग्रंथ में प्रत्येक अध्यायों में, प्रत्येक श्लोकों में भगवान से मिलने की बात है? ऐसा ज्ञानमय ग्रंथ का निर्माण कैसे होता? और प्रथम अध्याय के विषाद को योग वेदव्यास जी ने कह दिया। इसीलिए कहा कि अर्जुन के मन में यदि विषाद भी हुआ, अर्जुन के अंदर दुख भी हुआ, तो वह दुख रोने के लिए किसके पास गया? भगवान के पास गया। पहला अध्याय में यह ज्ञान दिया गया है कि यदि जीवन मिला है तो जीवन में सब कुछ मिलेगा। यह जीवन एक नदी के समान है। नदी एक जगह पर स्थिर नहीं रहती, नदी का जल बहता रहता है। अब बहता है तो एक ही तट से टकराता हुआ वह जल आगे नहीं बढ़ता है, दोनों तटों से टकराता हुआ आगे बढ़ता है। यह जीवन भी एक नदी के समान है। यदि इस जीवन को हमने धारण किया है तो अपने को नदी के समान समझ लीजिए कि जीवन में दोनों तटों से हमें टकराते हुए आगे बढ़ना है। कभी जीवन में दुख भी आएगा तो कभी जीवन में सुख भी आएगा, कभी सुख आएगा तो कभी दुख भी आएगा, कभी हर्ष मिलेगा तो कभी शोक भी मिलेगा, कभी निंदा होगी तो कभी स्तुति भी होगी, कभी अपमान होगा तो कभी सम्मान भी होगा, कभी शांति मिलेगी तो कभी अशांति भी मिलेगी। यह जीवन एक नदी के समान है। दोनों परिस्थितियों को झेलने के लिए हमें 2400 घंटे तैयार रहना है। कभी भी आप लोग देखिए जाकर नदी का जल दोनों तटों से टकराता हुआ, दोनों तटों को छूता हुआ वो आगे बढ़ता है। हमको भी ऐसे ही बहना है, नदी की तरह बहना है, लेकिन हम बहना नहीं जानते हैं, हम केवल रोना जानते हैं। जीवन में दुख आ गया तो लगे छाती पीटने, हाय दुख हाय दुख। यह क्यों नहीं अनुभव करते हैं कि हमारे साथ दूसरा तट भी है? जीवन में अशांति आ जाती है तो हम परेशान हो जाते हैं। हम क्यों नहीं ऐसा अनुभव करते हैं कि हमारे जीवन में दूसरा तट भी है, शांति भी है? हमारे जीवन में राग आता है तो हम दुखी हो जाते हैं, कभी राग से प्रसन्न भी हो जाते हैं। तो यह भी सोचिए कि बगल में द्वेष रूपी भी तट है,
कभी हमारा अपमान होता है तो हम दुखी हो जाते हैं। हमें यह भी समझना होगा कि हमारे साथ दूसरा भी तट है, सम्मान भी है, एक ही साथ है। यह संसार एक तट है, हमारे जीवन रूपी नदी का दो तट है, एक तट तो संसार है। जहां आपको दुख मिलेगा, जहां आपको परेशानी मिलेगी, जहां आपको अशांति का अनुभव होगा, जहां आपको सदैव क्लेश का अनुभव होगा, विपत्ति का अनुभव होगा, जो आप नहीं चाहते हैं वही सब यहां अनुभव होगा। क्योंकि भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा है, दुःखालय मशाश्वतम, यह संसार शाश्वत दुख का घर है। यहां हम लोग आनंद का बधावा बजाने के लिए नहीं आए हैं, अपने अपने किए हुए पिछले कर्मों का लेखा जोखा चुकाने के लिए आए हैं। लोग समझते हैं बड़ा आनंद के लिए यहां पर आए हैं। थोड़ा सा कोरोना का संक्रमण हो गया है, सब लोग आकुल व्याकुल हैं। कोई चाहते हैं यह संक्रमण बना ही रहे? कोई नहीं चाहते। महाराज कब तक यह चलेगा, यह कब तक चलेगा, कब तक चलेगा? थोड़ा सा कम हुआ है तो सूचना मिल रही है कि अब अफ्रीका की तरफ से आ रहा है। सूचना थोड़ा सा शांति का अनुभव होता है, सूचना मिल जाती है। शांति का अनुभव कर रहे हो, यहां पर चल चुका है अफ्रीका से, और उससे भी टक्कर लेंगे। थोड़ा सा शांति का श्वास लेंगे, फिर कोई कहेगा अब जापान से चला है, फिर कहीं से, यहां तो चलता ही रहेगा। लोग यहां आनंद का बधावा बजाना चाहते हैं, कोरोना नहीं आए, चिकनगुनिया नहीं आए, तो डेंगू नहीं आए। जहां यही सब है वहां आदमी कल्पना करता है यह सब नहीं आए। एक मच्छर यहां का कितना परेशान करता है, एक मच्छर से आदमी डर रहा है। संसार का एक ऐसा तट, इस जीवन का एक ऐसा तट है जिस तट पर का एक मच्छर भी हमें परेशान करता है। बड़े बड़े लोग परेशान हो जाते हैं। जब मच्छर से यहां हम लोग परेशान हो सकते हैं, यहां तो बाघ भी है, यहां तो सिंह भी है, यहां तो भालू भी है, यहां तो और भी क्या क्या है हम कह नहीं सकते। यह जीवन रूपी नदी का एक तट तो केवल दुखों से ही भरा हुआ है, जिस तट ने बड़े बड़े को परेशान किया है। साक्षात धर्म का अवतार युधिष्ठिर महाराज थे, धर्म के अंश से ही उसका आविर्भाव हुआ था। उनके जीवन में भी कैसा कैसा संघर्ष हुआ है, उनके जीवन में भी कैसा कैसा दुख आया है, जो दुख हम लोगों के जीवन में अब तक नहीं आया है। हम धर्म के अवतार नहीं हैं, हम धर्मराज नहीं कहला सकते, पाप राज भले कहला सकते हैं। झूठ भी मजे से बोल रहे हैं, निंदा चुगली भी मजे से कर रहे हैं, जो नहीं पीने लायक है, जो नहीं खाने के लायक है वह भी खा पी रहे हैं, जो नहीं देखने के लायक वह भी देख रहे हैं, जो नहीं सुनने के लायक वह भी सुन रहे हैं, जो नहीं करने के लायक वह भी कर रहे हैं, जहां नहीं जाने के लायक वहां भी जा रहे हैं, जो कभी चिंतन करने के योग्य नहीं है उसका भी चिंतन कर रहे हैं। हम लोग तो
पाप राज हैं, तब चाहते हैं कि यहां दुख नहीं मिले। और धर्मराज जो जीवन में एक बार ही भगवान कृष्ण के कहने पर, बहुत कहने पर झूठ बोले थे, और कितना तीर्थ उन्होंने किया था, कितना दान पुण्य उन्होंने किया था कि हम कह नहीं सकते हैं। 100 शरीर वे स्वर्ग गए थे, दिन रात उनको भगवान कृष्ण का दर्शन होता था। उनके जीवन में भी दुख आया, क्लेश आया, और इतना मात्रा में आया कि हम लोगों के जीवन में उतना नहीं आ सकता है, न अब तक आया है। उतना यदि हम लोगों के जीवन में आ जाए, हम लोग तो पागल हो जाएंगे। उनके जीवन में भी आया। आप जानते हैं महाराज दशरथ को 23,000 वर्ष तक उन्होंने पूर्व जन्म में तप किया था, तब अयोध्या में दशरथ बनकर उत्पन्न हुए थे, और अपने तपस्या के बल से भगवान को बेटा बना लिए थे। ऐसे तपस्वी महापुरुष को भी जीवन का यह संसार रूपी तट ने कितना दुख दिया, वे रोते रोते यहां से चले गए। भगवान श्री राम साक्षात ईश्वर के अवतार थे, उनको भी रामायण पढ़कर देखें, भले ही उनके जीवन में दुख नहीं आ सकता है, फिर भी दुनिया को दिखलाने के लिए उन्होंने रोने का अभिनय किया। यह संसार ऐसा तट है जिस तट पर हमें भी रोना पड़ता है, और हम चाहते हैं सारे जीवन आनंद ही मिले। जिस तट पर केवल दुख ही दुख मिलता है, भगवान तक को दुख मिलता है, उस तट को हम छोड़ना नहीं चाहते हैं, और चाहते हैं यहां दुख नहीं मिले। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कह दिया है, और आप लोग गीता के इस वाक्य को याद कर लीजिए, दुखालय मशाश्वतम, यह संसार शाश्वत दुख का घर है। शाश्वत का अर्थ यह समझ लीजिए सब दिन, ऐसा नहीं कि कोरोना चला गया तो थोड़ा सा आनंद आ गया, सो बात नहीं, ये चलता ही रहेगा। लोग कहते हैं महाराज यह कब तक चलेगा, तो हम फोन पर कह देते हैं चलता ही रहेगा। यहां दुख कब तक मिलेगा, यहां मिलता ही रहेगा। नानक दुखिया सब संसार। गुरु नानक देव जी महाराज कितने 100 वर्ष पहले हो गए, पहले ही कह दिए नानक दुखिया सब संसार। कबीर साहब कितने 100 वर्ष पहले हो गए, तन धर सुखिया कोई न देखा, जो देखा सो दुखिया हो, पहले कह करके गए, सब यही कह कर गए। अब भगवान कृष्ण की बात को तो जरूर मानेंगे, दुखालय शाश्वतम, यह शाश्वत दुख का घर है, यहां दुख के अलावा कुछ मिलने को नहीं है। यहां यदि आप रहना चाहते हैं, इसी तट को पकड़े रहना चाहते हैं, तो दुख भोगने के लिए भी कमर कस लीजिए। यदि इस तट को नहीं छोड़ना चाहते हैं, तो दुख भोगने के लिए आप कमर कस लीजिए, फिर रोने की कोई बात नहीं है। फिर जो रोना सुनाने के लिए आते हैं, महात्मा की खोपड़ी को भी खाने में लगे रहते हैं, महाराज यह दुख, महाराज यह दुख, महाराज जब दूसरा तट दिखाते हैं तो दूसरा तट पकड़ने के लिए तैयार नहीं, दुखमय तट को छोड़ने के लिए तैयार नहीं, और जिस तट पर दुख है ही नहीं उस तट पर जाने के लिए तैयार नहीं। महाराज यहीं पर कोई ऐसा रास्ता बताओ कि यह तट छूटे नहीं, दुख आए नहीं।
महाराज क्या करेंगे, महाराज तो भगवान के रास्ते पर चलते हैं। इस तट पर दुख के अलावे कुछ मिलने को नहीं है। दुखालय मशाश्वतम, यह संसार शाश्वत दुख का घर है। और जीवन रूपी नदी का दूसरा तट हमारे साथ ही है, जिस तट पर दुख होता ही नहीं है वह तट भी साथी है। हम दोनों तटों का संस्पर्श करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। दोनों तट हमारे साथी, हम बीच में हैं, दोनों का अनुभव करते रहते हैं। 2400 घंटे किसी के जीवन में दुख नहीं रहता, कभी तो जरूर सुख मिलता है। कभी जीवन में कुछ सुख मिले तो यह समझ लेना है यह सुख मिला है दूसरे तट से, और दुख मिले तो समझ लेना है कि यह मिला है दूसरे तट से। तो जब संसार की तरफ वृत्ति जाती है तब जीवन में दुख आता है। दूसरा तट है परमार्थ, परमात्मा भी साथी। गीता तो विलक्षण ग्रंथ है, गीता में ही भगवान श्री कृष्ण ने कह दिया, मत्तः परतरंग नान्यत् किंचिदस्ति धनंजय। हे अर्जुन, मेरे सिवा तो इस संसार में कुछ है ही नहीं। सूत्रे मणिगणा इव, जैसे मणि के दाने में भीतर ही भीतर धागे रहते हैं, दिखलाई तो देती है मणि, मणि की माला, लेकिन ये माला बनी कैसे, किसके सहारे माला है, तो धागे के सहारे। भीतर ही भीतर धागा दिखता है, दाना किस आधार पर वह दाना टिका हुआ है, माला का रूप लिया हुआ है, सूत्र के आधार पर। तो उसी तरह से भगवान कहते हैं, सूत्रे मणि गणाई वह, यह संसार मेरे से गुथा हुआ है, मेरे सहारे यह संसार चल रहा है, मेरे सहारे सब चल रहे हैं, जितने भी चल रहे हैं सब उसी के सहारे चल रहे हैं। तो वे हैं परमात्मा, जिनके सहारे सब चल रहे हैं, सब का अवलंब परमात्मा है, वह भी हमारे साथ नहीं है। बहुत विलक्षण बात है कि दुख देने वाला संसार भी हमारे साथ ही, सुख देने वाले परमात्मा भी सदैव हमारे साथ ही, दोनों साथ ही। 30 साल पहले मैं हिमालय की पैदल यात्रा कर रहा था, एक जंगल होकर गुजर रहा था, तो जंगल के रास्ते के किनारे एक छोटा छोटा कटीला पौधा था, उस पौधे से हमारे हाथ का स्पर्श हो गया। जैसे हाथ का स्पर्श हुआ, हाथ में इतनी खुजली होने लगी, खुजली के मारे मैं परेशान हो गया, जलन तक होने लग गई। अब क्या करें क्या करें, कोई वहां दवाई नहीं, किसी का घर नहीं दिख रहा था, किन से हम क्या पूछें उपाय। 2-3 किलोमीटर जाने के बाद एक पहाड़ी का घर दिखा, उनसे मैंने घर वाले से पूछा कि रास्ते में हमारे हाथ से एक पौधा का स्पर्श हुआ और उस स्पर्श मात्र से बहुत जोरों की खुजली हो रही है, जलन हो रही है, आपके पास कोई दवाई है जिससे खुजली खत्म हो जाए, जलन मिट जाए। उस घर के आदमी ने कहा, महाराज जी मेरे घर में कोई दवाई नहीं है,
मैं कोई उपाय नहीं कर सकता, लेकिन उपाय बतला सकता हूं। आपको यह पता है कि किस जगह पर आपके हाथ में वह पौधा लगा है? मैंने कहा उस स्थान का तो हमें अनुभव है, उस स्थान को मैं बतला सकता हूं। उन्होंने कहा महाराज आप वहीं चले जाइए, जो पौधा आपके हाथ में लगा है उसी पौधा की जड़ में छोटी छोटी घास होगी, उस घास को उखाड़कर वहां पर मसल दीजिए, आपकी जलन खत्म हो जाएगी, खुजली खत्म हो जाएगी। वहीं पर वह भी है, आप जल्दी से जाइए। मुझे उस स्थान का स्मरण था, मैं वापस हुआ और उस जगह पर पहुंचा जहां वह पौधा का संस्पर्श हुआ था। उस पौधे की जड़ में मैंने देखा छोटी छोटी घास थी, उस घास को उखाड़कर जलन वाली जगह पर मसल दिया, मसलते ही जलन खत्म हो गई, खुजली खत्म हो गई। मेरे मन में हुआ यह तो बड़े ताज्जुब की बात है, यहीं पर खुजली वाली चीज भी है, जलन वाली चीज भी है, और यहीं पर नीचे जलन को मिटाने वाली भी चीज है। यह तो घटना मेरे शरीर के साथ घटी, पर यह ज्ञान हमारे अंदर हो गया। जिस संसार में इस जीव को जीवन में दुख प्राप्त होता है, उसी संसार में दुख मिटाने वाले परमात्मा भी समाये हुए हैं। जिस संसार में दुख होता है उसी संसार में परमात्मा भी समाये हुए हैं। जिस शरीर में जीव को दुख होता है उस शरीर में भी परमात्मा समाये हुए होते। ईश्वर सर्वभूतानां हृदयेषु अर्जुन तिष्ठति। हे अर्जुन, ईश्वर समस्त भूत प्राणियों के अंदर विराजमान है, सबके अंदर में। इस शरीर से हमको दुख होता है, यदि थोड़ी देर रोटी नहीं दीजिए तो शरीर दुख देने लग जाता है। भाई तो बाद में दुख देगा, दुश्मन तो बाद में दुख देगा। इस शरीर को समय समय पर यदि आप इनके अनुकूल चीज नहीं देते रहेंगे तो यह तो दुख देने के लिए 2400 घंटे तैयार है। समय पर रोटी नहीं दीजिए दुख देना शुरू करेगा, पानी नहीं दीजिए दुख देना शुरू करेगा, बाथरूम नहीं ले जाइए समय पर तो दुख देना शुरू कर देगा, स्नान नहीं कराइए दुख देना शुरू करेगा, ठंड में गर्म कपड़ा नहीं दीजिए दुख देना शुरू कर देगा, गर्मी में ठंडक नहीं दीजिए दुख देना शुरू कर देगा, समय पर नहीं सुलाइए तो दुख देना शुरू करेगा, समय पर एक्सरसाइज नहीं करिए तो दुख देना शुरू करेगा। और एक दिन यह भी याद रखिए, संसार के लोग तो आपको दुख देंगे ही, संसार के लोग तो आपका दुश्मन बनेंगे ही, सबसे बड़ा दुश्मन तो आपका यह शरीर ही है। जब घुटने में दर्द होंगे तब घर के सारे लोग देखते रहेंगे लेकिन उस दुख को नहीं मिटा पाएंगे। कमर में दर्द, छाती में दर्द, पेट में दर्द, सिर में दर्द, इस शरीर के तो अंग अंग से रोग उत्पन्न होते हैं, सब दुख देने वाले उत्पन्न होते हैं। यह शरीर तो सबसे पहले दुख देगा, यह तो साथ में ही है। संसार में यह शरीर है, संसार भी दुख देने वाला, संसार में जी है शरीर है, यह शरीर भी दुख ही देने वाला। तो एक तट तो यह दुख देने वाला है और दूसरा तट इसके साथी है,
वह सुख देने वाला है। संसार में भी परमात्मा, इस शरीर में भी परमात्मा। गुरु नानक देव जी महाराज कहते हैं, घटी घटी अंतरी ब्रह्म लुकाया, घटी घटी ज्योति सब आई, घट घट में परमात्मा समाये हुए। लुकाया शब्द का प्रयोग हुआ है, सबके शरीर रूपी घर में परमात्मा है यह नहीं कहा, सबके शरीर रूपी घर में परमात्मा छिपे हुए हैं। कोई आदमी किसी के घर में है तो उस आदमी से मिलना आसान है, कोई आदमी आपसे मिलना नहीं चाहता, आपसे अपने को छिपा करके रखता है तो उनसे मिलना बहुत मुश्किल है। जो आपसे छिपा करके अपने को रखना चाहता है उनसे मिलना बहुत मुश्किल है। तो परमात्मा आपके अंदर में छिपे हुए हैं। क्यों छिपे हुए हैं? उनका दर्शन करने के लिए, उनको देखने के लिए, उनको प्रकट करने के लिए जैसा आपको बनना चाहिए वैसा नहीं बन पा रहा है। वे जिनके सामने प्रकट होते हैं उनकी भूमिका आप हम देख सकते हैं। जिन जिन के सामने परमात्मा प्रकट हुए हैं उनके जीवन को देखिए वे कैसे है। प्रहलाद के सामने भगवान प्रकट हो गए, ध्रुव के सामने प्रकट हो गए, जटायु के सामने चले गए, शबरी के सामने चले गए। इन सब के जीवन को देखिए कैसे कैसे सामने प्रकट हो गए हैं। हमारे सामने तो जमदूत प्रकट होने वाले हैं, भगवान काहे के लिए प्रकट होंगे? हमारे कर्म तो ऐसे हैं हमारे सामने भगवान जमदूत के रूप में प्रकट होना चाहते हैं। यदि भगवान के बताए गीता के मार्ग पर हम लोग नहीं चलेंगे तो जमदूत कौन है? पापियों के लिए वे ही परमात्मा यमराज बन जाते हैं, पुण्यात्मा के लिए वे ही परमात्मा धर्मराज बन जाते हैं। एक बिल्ली को देखते होंगे आप, अपने छोटे बच्चे को बिल्ली कैसे पकड़ती है? बिल्ली को हाथ तो है नहीं, दांत से पकड़ती है, दांत से गर्दन को पकड़ती है, एक जगह से ले जाकर के दूसरी जगह पर रख देती है। अब बिल्ली का बच्चा जैसे ही बिल्ली रखती है वैसे ही चलने लगता है, कूदने लग जाता है। उनको जरा भी फील नहीं होता है कि दांत से दबा करके मां मुझे लाई है, मैं बहुत परेशान, बिल्कुल नहीं। उसी स्थिति में, जिस स्थिति में वह बच्चा पहले था उसी स्थिति में खूब नाचता है, कूदता है, खेलता है, जरा भी उसको दुख का अनुभव नहीं होता है। किस तरह से दांत से बिल्ली पकड़ती है, बिना दबाए तो बच्चे को कैसे उठाएगी? बच्चा लटकता हुआ जा रहा है, पकड़ रखी है, लेकिन दुख नहीं हो रहा उस बच्चे को, ऐसे खेलने कूदने लग जाता है। उसी दांत से बिल्ली चूहा को पकड़ती है, दांत तो वही है, चूहा भी एक जगह से दूसरी जगह चला जाता है, ऐसी जगह चला जाता है कि जहां से लौटना मुश्किल है। चूहा की हालत देखिए, जब चूहा को पकड़कर छोड़ती है तो चूहा हिल नहीं सकता वहां से, दांत तो एक ही है। लेकिन अपने बच्चे के लिए दांत का प्रयोग किस तरह से वह करती है, बिल्ली से आप पूछ सकते हैं।
और चूहा के लिए किस तरह से दांत का प्रयोग करती है यह भी पूछ सकते हैं। लेकिन आप में हिम्मत है बिल्ली से पूछने की, वो बता भी देगी तो आप समझ जाएंगे। समस्त जीवों की भाषा को केवल संत ही जानते हैं। मनुष्य के अंदर तो दो चार दस बीस भाषा का ज्ञान है जो पुस्तकों में लिखा हुआ है, लेकिन बिल्ली क्या बोल रही है, चूहा क्या बोल रहा है, सांप क्या बोलता है, छिपकली क्या बोलती है, संसार के समस्त प्राणियों के भाषा को संत जानते हैं। इसीलिए सर्वभाषी कहते हैं संत को, सबकी भाषा को जानते हैं, इसीलिए सबकी पीड़ा को वो पहचानते हैं, सबके प्रति उनके दिल में दया का भावना है, इसीलिए वो सबके दिल की आवाज को जानते हैं, सब पर उनके अंदर में दया है। यदि वे सब की भाषा को नहीं जानते, सबकी भाषा को नहीं पहचानते, तो सबके प्रति दया क्यों होती। जो रोते हैं, रो रो करके बोलते हैं, उनके प्रति लोगों के अंदर में दया होती है। चींटी भी रोती है, एक मच्छर भी रोता है, एक छिपकली भी दुखाने पर रोती है, सबको दुख होता है। जब यहां मनुष्य को दुख होता है तो समस्त प्राणियों को दुख होता है, लेकिन समस्त प्राणियों के दुख से हम दुखी नहीं हैं। एकाध लोग जो रोते हैं उनके दुख को हम जानते हैं, समझते हैं। संत समस्त प्राणियों के दुख को समझते हैं, इसलिए कि वे सबकी भाषा को जानते हैं। बिल्ली को देखिए, एक ही दांत है और उस दांत से दो प्रयोग होता है, एक को सुख का अनुभव होता है, एक को दुख का अनुभव। अपने बच्चे के लिए बिल्ली के दांत की नोक पर करुणा उमड़ती रहती है, और चूहा के लिए उस दांत की नोक पर क्रोध उमड़ता रहता है। उसी तरह से पापियों के लिए, दुष्कर्मियों के लिए, नीच कर्मियों के लिए वे ही रहमाने रहीम जो परमात्मा है, ईश्वर है, यमराज के समान हो जाते हैं, और पुण्यात्मा के लिए, धर्मात्मा के लिए रहमाने रहीम हो जाते हैं, दया उमड़ने लग जाती है, धर्मराज बन जाते हैं। नहीं तो दुख देने वाला कोई दूसरा नहीं है और सुख देने वाला कोई दूसरा नहीं है। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में साफ साफ कह दिया है, और महाभारत तो कोरोना काल में जो नहीं भी सुना होगा सुन ही लिया होगा, देख ही लिया होगा। उसमें बारंबार यह श्लोक गीता का, कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन, भगवान कृष्ण ने बारंबार कहा है। भगवान की एक एक बात को आप लोग पी जाइए। मैंने पहले ही बतलाया, गीता अमृतम पिवेत, गीता रूपी अमृत को आप लोग पी जाइए। भगवान कहते हैं कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन, कर्म करने में सबका अधिकार है, सबको अधिकार दे रखा है, कर्म करो। कर्म करने के लिए इतना औजार भी आपके साथ में लगाया है कि उतना औजार किसी के साथ में नहीं। 14 इंद्रियां आपके साथ में भगवान ने दिया है कर्म करने के लिए। भगवान ने सोचा होगा जैसे काम करते करते कोई आदमी बीमार हो जाता है तब काम कैसे चलेगा, तो दूसरा लेबर ले आओ उठा करके, दूसरा बीमार हो गया तो तीसरा को ले आओ बुला करके, दो चार लेबर बीमार हो जाए तो और कहीं से दूसरा को ले आओ। तो जीव को काम करने के लिए भगवान ने 14 लेबर को साथ में दिया है। कभी आंख नहीं काम करे तो कान से काम करो, कान काम नहीं करे तो हाथ से काम करो, हाथ काम नहीं करे पैर से काम करो,
चौदह चौदह इंद्रियां आदि हैं काम करने के लिए, सबसे काम लो, कोई काम करने के लायक नहीं है तो किसी और से काम कराओ। चौदह चौदह लेबर हैं, इतना आदमी हमारे साथ में काम करने के लिए चौबीसों घंटे तैयार रहते हैं। भगवान ने कहा कर्मण्येवाधिकारस्ते, काम करने में सब स्वतंत्र है, सब स्वतंत्र होकर के कर्म कर सकते हैं, कोई रोकने वाला नहीं, कोई टोकने वाला नहीं, जो मर्जी सो देखे। दृष्टि के द्वारा देखने का काम होता है, अब आपके ऊपर निर्भर करता है कि हमें कैसा दृश्य देखना है, किस दृश्य का हमारे ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा यह देखना है। इसके लिए भी आपके भीतर में एक इंद्रिय को दिया है, उसी इंद्रिय का नाम है बुद्धि। भगवान कहते, लोग कहते हैं कि भगवान ने कर्म करने के लिए अधिकार दे दिया है तो फिर भगवान फल स्वयं से क्यों देते हैं, कर्म करने वाला स्वयं से फल क्यों नहीं प्राप्त कर लेता। यदि स्वयं से ही हम लोग फल प्राप्ति के भी अधिकारी होते तो हम लोग इतने चालाक हैं कि बुरे बुरे कर्मों को करते और अच्छा अच्छा फल ले लेते। तो भगवान फल अपने हाथ में रखा है और कर्म करने का अधिकार सबको दिया है और बुद्धि सबको दे दिया। थोड़ा बहुत सबके पास में बुद्धि है, बुद्धि एक बार जरूर सबको यह कह देती है यह अच्छा काम नहीं है और यह अच्छा काम है। चोर भी चोरी करने के लिए जाता है तो उनका भी दिल कहता है कि हम अच्छा काम के लिए नहीं जा रहे हैं। झूठ बोलने वाला बोल तो जाता है लेकिन भीतर से आवाज आती है तुम यह गलत बोल रहे हो। किसी की मां बहनों को गलत निगाहों से हम देखते हैं तो देखने के समय भीतर से एक आवाज जरूर आती है कि इस तरह से नहीं देखना चाहिए। हम अकेले दूसरे की मां बहनों को दो आंख से बुरी निगाह से देखते हैं। हमारे भी घर में माता है, बहने हैं, तो उनको भी देखने के लिए कितने होंगे। तो हम जब देखेंगे तो हमारे घर को भी लोग देखेंगे। हम यदि अच्छी निगाह से दूसरे को देखेंगे तो हमारे घर के लोगों को भी लोग अच्छी निगाह से देखेंगे। आवाज भीतर से आती है, आवाज देने वाले भीतर में हैं। जब हम गलत करते हैं तो आवाज आती है, जब हम सही करते हैं तो आवाज आती है। ऐसे आवाज देने वाली भी इंद्रिय है हमारे अंदर में, वह है बुद्धि शक्ति। तो भगवान कहते हैं कर्म करने में सब स्वतंत्र है, सबको भगवान ने अधिकार दे रखा है, दिन रात करो। नहीं कश्चित क्षणमपि जात तिष्ठत्य कर्म कृत, मनुष्य एक क्षण भी कर्म किए बगैर रह नहीं सकता। हम 2400 घंटे कर्म कर रहे हैं। लोग कहते हैं महाराज घुटने घिस गए, डॉक्टर ने कह दिया बदलना पड़ेगा, ये कैसे घिस गए। इस पात के चक्के घिस जाते हैं, लोहा का पहिया घिस जाता है, उससे भी ज्यादा मजबूत यह हड्डी है। जब से जन्म हुआ है तब से यह चल ही रही है, चल ही रही है, ये घिस गई तो बड़े परेशान की बात है। चक्का को बदल लेते हो, सब कुछ को बदल लेते हो,
गाड़ी पुरानी हो जाती है उसको बदल लेते हो, घुटने बदलने के लिए डॉक्टर कह देते हैं तो फिर क्यों परेशान हो? सब कुछ बदलना पड़ेगा, सब कुछ घिस रहा है, आंख भी घिस रही है, बुढ़ापे में देखते हैं रोशनी कम हो जाती है, कान घिस रहा है, सारी इंद्रियां घिस रही हैं, शरीर हमारा घिस रहा है, सब घिसता चला जा रहा है, क्योंकि 2400 घंटे यह मशीन चलती है। बिजली जब चली जाती है तो मशीनें बंद हो जाती है, और यह शरीर के अंदर जो मशीनें लगी हुई हैं यह कब तक चलती है? जब तक इसके अंदर में बिजली काम कर रही है। बिजली क्या है? वह ईश्वर, ईश्वर सर्वभूताना हृदय से अर्जुन तिष्ठति, ईश्वर ही वह विद्युत शक्ति है, और ईश्वर की शक्ति जो यह चेतन आत्मा है वह जब तक इसके अंदर में है तब तक सारी मशीनें चलती रहती हैं, और जैसे ही वह चेतन शक्ति इस शरीर से पृथक होती है वैसे शरीर खत्म। लेकिन दुनिया में जो फैक्ट्रियों में कंपनियों में मशीनें लगी हुई होती हैं उसमें तो बिजली आती है जाती है, आती है जाती है, इसीलिए ठीक कर देते हैं, बिजली मशीनें चलने लग जाती हैं। लेकिन इस शरीर से जब बिजली चली जाती है फिर दोबारा नहीं आती है, फिर बिल्कुल खत्म, पूरा खेल खत्म हो जाता है, यह शरीर किसी काम के लायक नहीं रह जाता है। इसके भीतर इसको चलाने वाला बैठा हुआ है, जिस शक्ति से जब यह चलता है वह शक्ति सीज हो जाती है तो शरीर किसी काम का लायक नहीं। 2400 घंटे जब तक वह शक्ति शरीर में रहती है तब तक यह मशीनें चलती रहती है, और वह शक्ति जब निकल जाती है तो सब दिन के लिए मशीन बंद। तो भगवान कहते हैं नहीं कश्चित क्षणमपि जात तिष्ठति कर्म कृत, एक क्षण के लिए भी हम कर्म किए बगैर रह नहीं सकते। 2400 घंटे कर्म हो रहा है, यहां भी बैठे हुए हैं तो यह नहीं समझिए कि हम बैठे हुए हैं, शरीर बैठा हुआ है, हाथ तो हिल ही रहा है, पैर तो हिल ही रहा है, आंख तो काम कर ही रही है, कान काम कर ही रहा है, जब सो जाएंगे सोने पर भी यह नहीं समझिए कि हमारा काम बंद हो गया, मन काम कर रहा है, इसीलिए स्वप्न हम देखते हैं, बुद्धि काम करती है, गहरी नींद में चले जाते हैं वहां भी संकोचन विकासन की क्रिया होती ही रहती है। 2400 घंटे काम आदमी कर ही रहा है, कभी भी काम बंद नहीं होता है। एक आदमी हो जिनके पीछे कोई डंडा लेकर के खड़ा हो, सिर पर भारी वजन दे रखा हो, डंडा लेकर के कहे चलता रह चलता रह चलता रह, उस आदमी को सुख मिलेगा? कभी भी सुख नहीं मिल सकता है। अपने मन से हम कोई सामान लेकर के चलते हैं तो उतना दुख नहीं होता है, और कोई पीछे से डंडा लेकर के भारी वजन डाल करके दिन रात चलाता है तो उससे ज्यादा दुख होता है। काल जो है हमारे पीछे डंडा लेकर के खड़ा है, और जन्म जन्म का किया हुआ कर्म जो है वह बोझ बनकर हमारे माथे पर है, और उसी कर्म के करने के कारण हम इस संसार में चलते रहते हैं, वो काल चलाता है हमको। 2400 घंटे हम चल रहे हैं, एक सेकेंड के लिए भी हम बैठते नहीं हैं, 2400 घंटे चल रहे हैं, काल हमको चला रहा है,
आदमी जब चलते चलते थक जाता है तो बैठता है, आराम करता है। जब चलना बंद हो जाता है तब आदमी आराम का अनुभव करता है। हम लोगों को जो कभी शांति नहीं मिलती है, इसका कारण यही है कि 2400 घंटे हम चल ही रहे हैं। ध्यान में कहते हैं बड़ा आनंद आता है। ध्यान में इसीलिए आनंद आता है कि ध्यान में इंद्रियों की गति बंद हो जाती है। असली ध्यान उसको कहते हैं जिसमें सारी इंद्रियों की गति बंद हो जाए। इंद्रियों का चलना जब बंद हो जाता है तो उस क्षण में इस जीव को समाधि का आनंद प्राप्त होता है। उस आनंद के सामने संसार का सारा आनंद तुच्छ है। तो भगवान कहते हैं कि कर्म करने में सब जीव स्वतंत्र है और फल भोगने में सब स्वतंत्र नहीं है। फल भगवान के हाथ में। इसीलिए सोच समझ करके कर्म करना चाहिए कि कोई ऐसा कर्म हमारे से हो ना जाए जिस कर्म का फल हमारे जीवन में भगवान दुख प्रदान ना कर दे। तो दुख कोई चाहते हैं नहीं। तो दुख नहीं चाहते हैं तो आपके साथ ही परमात्मा रूपी तट भी है जिसको पकड़ लें, और आपके साथ ही संसार रूपी तट भी है। संसार रूपी तट दुख देने के लिए है और परमात्मा रूपी तट हमें सुख देने के लिए है। यदि हम दुख नहीं चाहते हैं तो हमारे साथ ही सुख देने वाला तट भी है, उस तट को पकड़े रहें। गीता का यह सार ज्ञान आप लोग अमृत की तरह पी जाइए। यदि सुख चाहते हैं तो सुख रूपी तट परमात्मा हमारे साथ में, और यदि उस तट को नहीं पकड़ते हैं तो दुख रूपी संसार भी हमारे साथ में। अब हमें निर्णय करना है कि किस तट को पकड़ना है। अब आगे की चर्चा हम कल समय से करेंगे। आप लोग समय पर आइए और गीता रूपी अमृत को पीने में लग जाइए। पीते हुए गीता ज्ञान यज्ञ का अनुभव करिए। यही थोड़ा सा सुनाया। अब कल 7:30 बजे से फिर इस सद्भावना हॉल में बैठ करके आनंद लेंगे, और जहाँ तहाँ से धर्म प्रेमी चैनल के माध्यम से सुन रहे हैं वे भी तैयार रहेंगे, उनको भी आनंद घर बैठे मिलेगा। ओम शांति शांति शांति। तो आज पहले दिन की आरती वंदना, कहते हैं भगवान के चरणों में जैसे आज स्वामी जी ने बताया कि सुख मिलता है। जो जो आज आए और जिन्होंने जो लाइव टेलीकास्ट प्रोग्राम को देखा तो उनको कैसा सुख मिलता है, दो लाइनों के दौरान वृतांत करते हैं। बोलिए स्वामी जी महाराज की जय। मिलता है सच्चा सुख केवल भगवान तुम्हारे चरणों में। मिलता है सच्चा सुख केवल भगवान तुम्हारे चरणों में। मेरी विनती है प्रभु पल पल छिन
रहे ध्यान तुम्हारे चरणों में मिलता है सच्चा सुख केवल। तो स्वामी जी इसी तरह अपनी दया दृष्टि हमारे मौड़ निवासियों पर बनाते रहें। तो आज की आरती